ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत खबरों के सिलसिले में तोड़द अगे गल हूँ करद अमृतपाल सिंह की जी। अमृतपाल सिंह की पीटीसी न्यूज़ के नाल विशेष गलबात दौरान वख-वख मुद्दों से अमृतपाल सिंह का बयान वेखन मिलिया। अजनाला थाने च पावन सरूप ले जाण ते अमृतपाल सिंह ने सफाई दी है। अमृतपाल का कहना है कि असी जिथे भी जाने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नाल लैके जाने, जे असी अपने सिंह नूं रिहा नहीं करवाउंदे तां बंदी सिंघां वांग ही यह मामला लटक जाना सी। सरकार ने खुद हिंसा का राह चुनिया, जे किसी की पग लत्थी तो उसनों बेअदबी नहीं कह सकते। मैं भारती नहीं सगों पंजाबी हाँ। अमृतपाल सिंह दे वख-वख मुद्दों को लेकर यह बयान यह टिप्पणियां वेखन मिली, खास तौर पर अजनाला हिंसा मामले को लेकर अमृतपाल का कहना कि असी जिथे भी जाने असी श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल लैके जाने, जे किसी की पग लत्थी तो उसनों असी बेअदबी नहीं कह सकते। नाल ही अमृतपाल का कहना कि मैं भारती नहीं सगों मैं पंजाबी हाँ। की कुछ होर किया अमृतपाल सिंह ने सुनाने तुम। अजनाला कांड विच जो कुछ होया उसदी बहुत वीडियो वायरल हो रही, सरकार वख-वख जथेबंदियां जां सियासी पार्टियां उत्ते किंतु परंतु कर रही। तुसीं इस हिंसा बारे की कहना चाहुंदे वी इहदे पिछे की कारण सी, हिंसा करवाई गई है जां कीती गई है, इहदे बारे की दस्सिया जा रहा? नहीं देखो इहदे च कोई करवाई गई जां कीती गई वाला मसला नहीं हुंदा। मसला इह हुंदा वी जदों इहो जिहे प्रोटेस्ट हुंदे आ उहदे छोटी मोटी गल वापर जांदी हुंदी है, और ये प्रशासन भी अगे तो वेखना चाहिए भी यह गल ना वापरे। वो मेक श्योर करन भी यह झूठी एफ आई आर जिहड़ियां वो ना दर्ज हो। सो मेरे ख्याल दे नाल सानू इस गल ते ध्यान देना चाहिए। नहीं दूसरी गल ऐसी भी जिस तरह सारियां जिन्नियां भी पंजाब दीयां सियासी पार्टियां ने जां विरोधी धिर कह लो जां सियासी मौजूदा हाकम कह लो, उन्हां दा एक ही तुहाडे ते इल्जाम लाया जा रहा कि तुसीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ढाल लैके उस ढाल दे विच आण के तुसीं इह हिंसा नूं रूप दित्ता गया। नहीं उन्हां दा कहण नाल कुछ नहीं हुंदा। ये जिहड़ा मसला है ढाल बनाउणा जां वोट आसरा छत्र छाया लैणी वो वक्खरा विशा हुंदा। असीं हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहिब दी वोट आसरे 'च चलदे हां। कल भी वीर कढ़ी सी उहदे 'च वी गुरु ग्रंथ साहिब दी वोट आसरे चले सी। पब्लिक दी इहो जिही कोई कंप्लेन नहीं, जिहड़े राजसी बंदे उहनां दी आपां नूं बहुती परवाह नहीं करनी चाहीदी। कुछ बंदे जिहड़े जथेबंदियां वाले उह पहिलां ही साडे विरोधी, उहनां विरोध करी जाणा, उहनां दा कोई आधार नहीं हैगा बहुता। पर तुहाडा पहलो वी मुलाकात होई सी, तुसीं कहा वी असीं कोई हिंसा दा जरा राह नहीं अख्तियार करना, पर हिंसा छिड़ी किवें फिर जी? नहीं देखो अख्तियार असी जे तो आप छिड़ी हुए तो फिर तो कोई अख्तियार करने वाली गल है। असी तो लोगों ने शांति की अपील उत्थे भी फिर की, मगरों भी की, पहला भी की, पर कुछ चीज़ें जो इन्ना संगती इकट्ठ होंदा है फिर उदो कुछ चीज़ें कंट्रोल च नहीं ना रह सकती। फिर दूजी तरफ से जो पुलिस प्रशासन जिहड़ा है जां सरकारां है वो इदां दबा के रखना चाहुण, उहदे नाल की हुंदा वी वख-वख थावां दे उत्ते जिहड़ा वा अपना की ना लईदा उहनां नूं रोकिया गया, कभी किसी पुल से कभी किसी स्टेशन से कभी किसी से रिटेन किया गया। वो भी लोगों की भावना जी एक भड़कती है, वो नहीं करना चाहिए उन्होंने। जो शांतमई प्रोटेस्ट करने का सारा अधिकार है, फिर बैरीकेड लाने का की कम है? सो मेरे ख्याल के नाल असं तो घरों क्या भी असं अमर संचार करावे वे जो कई बहाना बनाई जाते पुलिस स्टेशन मारे का स्वरूप। मैंने तो लगता भी पुलिस स्टेशन जो गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, पुलिस लाइन जो गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, सिंह से जितने नजायज परचा दिन समय जो भी होया उसनों छडाउण दा मामला सी, पर फिर आपां नूं महाराज दे सरूप दे जिहड़ी पालकी साहब नाल लिजाण दी की लोड़ पई? पालकी साहब असीं हर थां ते लैके जांदे हां, हुण तां कल नूं असीं इत्थे नशा छडाउण जांदे हां ते उत्थे वी महाराज दे सरूप, उत्थे कोई कहूगा तुहानूं की लोड़ है जाण दी? लोड़ ते कदे वी नहीं हुंदी। महाराज दा वोट आसरा लै के सिख रेजीमेंट नूं की लोड़ है उत्थे महाराज दा सरूप लैके जाण दी? महाराज दा वोट आसरा तक के जिहड़ा जाणा है वह माड़ी गल नहीं हैगी। सो इह गल समझणी चाहीदी सानूं। आने वाले समय च यह भी कहा जा सकता कि सरकार तुहाडे ते होर मुकदमा जिहड़ा दर्ज करन जा रही है और तुहाडी किसे पल गिरफ्तारी भी संभव है, उस नूं लैके तुसीं की कहो? नहीं वह चलो जो समा आऊगा देखी जाऊगी, उहदे च कोई इदां दी कोई गल नहीं। असीं उत्ते जिहड़ी चीज़ आऊगी उदों वेखी जाऊगी ना, मौके ते उत्ते कमेंट करांगे, पहलां कर दईए तां की फायदा। एक जिहड़े उत्थे जो हिंसा हुई है जिन्नी थोड़ी बहुत देर विच कुछ तुहाडे सिंघां दीआं वी कुछ दस्तारां लत्थियां ने कोई पुलिस वालिआं दी लगियां, की आपां इहनां नूं वी बेअदबी दा रूप दे सकदे हां जां इह जां पुलिस दी खाकी पग नूं असीं बेअदबी दा रूप नहीं दे सकदे, इहदे विच कोई तुसीं फर्क समझदे हो? बेअदबी होर चीज़ हुंदी है। देखो इह सारे मसले दे विच अपना इह कहना भी बेअदबी हो गई है लड़ाई झगड़े दे विच, मैनूं उह जायज़ नहीं लगदी गल। पर इह सारे मसले दे विच जो होया अनफॉर्चुनेट है, सट पिट जिहड़ी लगनी किसे नूं वी चंगी गल नहीं, पर उह किसे वेले जिहड़ियां चीज़ां टालियां जा सकदियां कुछ नहीं टालियां जा सकदियां। हुण असीं तां इहनूं पहलां बड़े दिनां तों रिक्वेस्ट कर रहे हां भी एफ आई आर वापस लो, इहदा ना करो। पर तुसीं समझदे हो कि इस तरह किसी अपने सिंह नूं रिहा करवाउणा कि इह मतलब एक मूवमेंट जायज़ है जां आपां नूं जेल छड़न दी है? तुसीं मैनूं इह दस्सो भी फिर उन्हां सिंघां नूं जेलां 'च छड़न दी है? निर्दोष सिखां नूं जिहड़े कोई निर्दोष सिख हुंदे उहनां नूं जेलां 'च बैठे रहिण दे या करिए आपां, जायज़ ही है सारा कुछ? जे अपने सिंघां नूं रिहा करवाउणा जायज़ नहीं तां फिर की जायज़ है?
ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਡੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛਡਾਉਣਾ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਉਹ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਂਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਨਫਲਿਕਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ।